नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये तब का है जब राजेश खन्ना 1971 में आई फिल्म दुश्मन की शूटिंग कर रहे थे। इसमें उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस मुमताज थी। गांव में शूटिंग होने के कारण फिल्म की टीम के पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन्होंने एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की थी। उनके चाहने वाले उस दौर में तो देश भर में हर उम्र के लोग थे, लेकिन आज भी कई लोग उनके और उनके स्टारडम के किस्से बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है जब सैकड़ों लोगों की भीड़ ने राजेश खन्ना को देखने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। राजेश खन्ना की एक्टिंग और लुक्स की दुनिया दीवानी थी। राजेश की एक झलक के लिए लोग बेसब्र हो जाते थे। उनके जैसी दीवानगी अब किसी सुपरस्टार के लिए देखने को नहीं मिलती। लड़कियों ने उन्हें खून से लेटर लिखे थे, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन राजेश खन्ना के जाने के बाद लड़कियां उनकी गाड़ी को चूमने लगती थी। यह किस्सा तब का है जब राजेश खन्ना 1971 में आई फिल्म दुश्मन की शूटिंग कर रहे थे। इसमें उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस मुमताज थी। गांव में शूटिंग होने के कारण फिल्म की टीम के पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। शूटिंग के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ राजेश खन्ना को नजदीक से देखने के लिए उनकी तरफ आने लगी। पहले तो राजेश नॉर्मल बने रहे, फिर लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़ने, धक्का देने और उनके कपड़े तक फाड़ने लगे। घबराए हुए राजेश मदद के लिए आवाज लगाने लगे। यह कुछ मिनट तक चलता रहा, फिर अचानक एक्ट्रेस मुमताज भीड़ को हटाकर आईं और राजेश खन्ना को खींचकर बाहर ले गई। जब काका भीड़ से सेफ स्थान पर पहुंचे तो उनके बाल बिखरे थे और उनकी कमीज थोड़ी सी फट भी गई थी। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी बहुत पॉपुलर थी। दोनों को पर्दे पर रोमांस करते देख युवा दिलों की धड़कन ही नहीं, उमंगे भी सातवें आसमान पर पहुंच जाती थी। दोनों ने सच्चा झूठा, दो रास्ते, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, बंधन और रोटी जैसी हिट फिल्में दी। दोनों का किसी फिल्म में होना सफलता की 100% गारंटी माना जाता था। बॉलीवुड में राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी अब तक यादगार मानी जाती है। दुश्मन फिल्म के यूं तो कई गाने अच्छे बन पड़े थे, लेकिन एक फेमस गाना वादा तेरा वादा आज 50 साल बीत जाने के बावजूद अपने पूरे ठसक के साथ मौजूदगी दर्ज करवाता है। इस फिल्म के गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प किस्सा और सुनाते हैं दोस्तों आपको। शुरू शुरू में वादा तेरा वादा को गाने से ही सिंगर ने मना कर दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इस फिल्म को अपने मधुर संगीत से सजाया था। प्यारेलाल ने बताया कि किशोर कुमार को जब इस गाने को गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को सूट करता है। किशोर कुमार इस कदर अड़ गए कि राजेश खन्ना के समझाने पर भी नहीं समझे। आखिरकार थक हार कर लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में एक आइडिया आया, तो उन्होंने बेहद विनम्रता से किशोर से कहा कि अगर आप नहीं गाएंगे तो इस गाने को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, इसीलिए एक बार कोशिश करके देख लीजिए। इस तरह मनाने पर किशोर दा गाने के लिए तैयार हुए और जब फिल्म रिलीज हुई तो आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गाने ने धूम मचा दी। संगीत प्रेमियों के दिलों को इस गाने ने छू लिया था। वीरेंद्र सिन्हा की कहानी पर बनी फिल्म दुश्मन के लिए राजेश खन्ना ने बड़ा रिस्क लिया था।
राजेश की इमेज एक रोमांटिक हीरो की थी, लेकिन उन्हें जब दुलाल गुहा ने अप्रोच किया तो वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए जिस पर शराब पीकर ट्रक चलाने और मर्डर का आरोप लगता है। हालांकि काका की बनी बनाई इमेज को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इस फिल्म की सफलता की वजह से ही दुश्मन को तमिल में भी बनाया गया था, जिसमें जयललिता और शिवाजी गणेशन ने रोल प्ले किया था। किस किस को पता थी ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।